हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो समस्त को पुणि थर स्वागत आम यूट्यूब चैनल एसआर एजुकेशन को। तो आज आम देखा जो दशम श्रेणी क्लास एक्स दशम श्रेणी कौन जो आम एसए वन एग्जाम जो एसए वन जो रही आगे हवा को आम किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करवा जहाँकि रही साइंस विषय द्वितीय अध्याय अर्थात आम एससीपी एससीपी रो द्वितीय अध्याय अम्ल क्षार लवण। तो ठीक अच्छे समस्त रेडी एवं समस्त को शेयर कर करदे जल्दी जल्दी समस्त जॉइन हो जाए। आम आरंभ करवा अम्ल क्षार और लवण डिस्कशन। तो किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कशन करवा। तो देख प्रथम क्वेश्चन रु आम आलोचना करवा कौन अच्छी प्रथम क्वेश्चन देख कौन देला समस्ते कमेंट बॉक्स रे आंसर दबा एवं अभ्यास करनबा क्वेश्चन गुड़ी को। निम्नोक्त मध्य केउटे एक प्राकृतिक सूचक। तो प्राकृतिक सूचक रूप में क्या व्यवहार करूचे मिथाइल ऑरेंज ना फेनल फथाइन क्लीन ना मिथाइल रेड। तो आम ना लिटमस द्रवण। तो आम कौटे प्राकृतिक सूचक मैंने अम्ल क्षार को चिन्हापी आम क्या व्यवहार करूचे लिटमस द्रवण को आम व्यवहार करे लिटमस पेपर व्यवहार करे जेहेतु मैं कभी हलदी को आम व्यवहार करे मंदार फूल को प्राकृतिक सूचक व्यवहार करे कि कौन हम लिटमस द्रवण। तो आम ऑप्शन डी हम सठिक उत्तर। तो दुई नंबर को जीवा दुई नंबर देला कौन दुई नंबर देला जिते बड़े लिटमस द्रवण अम्लीय किंबा क्षारीय हो न थाए से तार रंग कौन होता है जिते बड़े अम्ल हो ना क्षार हो नार रंगटा से कौन हम लोहित हम नील ना सबुज ना नील लोहित। तो ये कौन हम जिते बड़े सी कौन ना अम्ल ना क्षार तेज कौन हम लोहित नील लोहित होता है केवल लोहित केवल नील हो न थाए नील लोहित होता है। तो ऑप्शन सी हो चार सठिक उत्तर। ठीक अच्छे तीन नंबर फेनल फथालीन क्षारिय मध्यम केऊ रंग रे परिवर्तन होता है। तो यह कौ रंग रे परिवर्तन हुए लाल गोलापी हलदिया सबुज। तो कौन हम जल्दी जल्दी कमेंट कर ना। तो यार सठिक उत्तर हूँ गोलापी ऑप्शन बी हूँ यार सठिक उत्तर। तो देखा चार नंबर निम्नोक्त केउ धातु अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे ना केउ धातु टी अम्ल सह रासायनिक प्रतिक्रिया करे ना सोडियम तो अम्ल सह प्रतिक्रिया करे जिंक मध्य करे मैग्नीशियम करे तो किए करे ना ए यू। तो ऑप्शन डी हूँ यार सठिक उत्तर। तो पांच नंबर देखा पांच नंबर देला जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी जो जैविकटी सृष्टि करे जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड सह रासायनिक प्रतिक्रिया करी जो जैविक सृष्टि करे तार संकेत कौन क्या सहित जिंक कर रासायनिक प्रकेत सोडियम सहित हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने एन ए टू आसव। तो कौटी अच्छे एन ए टू पुणी जिंक थी। तो ऑप्शन ए हूँ यार सठिक उत्तर। ठीक अच्छे छ नंबर भानिलार गंध कहार उपस्थित रहे ना भानिलार गंध कहार उपस्थित रहे ना। तो यार सठिक उत्तर कौन हम कहा उपस्थित रे भानिलार गंध रहे ना नहीं। तो ठीक हम एन ए ओ एच। तो ऑप्शन डी हो रहा सठिक उत्तर। तो जीवा सात नंबर क्वेश्चन को सात नंबर रहा कौन निम्नलिखित मध्य केऊ अम्लटी तेंतुली रे थाए निम्नलिखित मध्य केऊ अम्लटी तेंतुली रे थाए तेंतुली रे केऊ अम्ल थाए समस्त जानते कौन टाइटरिक अम्ल। टाइटरिक अम्ल अच्छे कौटे ऑप्शन बी रे। ठीक अच्छे आठ नंबर आठ नंबर रहा कौन आठ नंबर अच्छी लघु एससीएल
CaO3 सह प्रतिक्रिया कले निम्नोक्त मध्ये केउ लवण सृष्टि हुए तो कौन कौन ऑप्शन अच्छे आम देखी ना प्रथमे तो ऑप्शन अच्छी कौन CaO3 CaCl2 CaO CaHCO3 तो आमर कौन आसब ये कौन हुए CaCl2 तो ऑप्शन बी हो सठिक उत्तर। तो 9 नंबर देख निम्नक्त मध्य केउटी एक दुर्बल अम्ल या भितर दुर्बल अम्ल कौटा तो दुर्बल अम्ल पचार कौटा हे H2CO3 ठीक अच्छे ऑप्शन सी हो सठिक उत्तर। तो देखिए 10 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी एक दुर्बल क्षारक दुर्बल क्षारक पचारा तो क्षार कौटा MgOH2 जो अच्छे होल टू तर ऑप्शन डी हो सठिक उत्तर। 11 नंबर निम्नलिखित मान मध्य केउटी आलकाली अटे आलकाली कहले कौटा हम आलकाली हेल्ले कौन हम OHH कौट देख तो यहाँ हूँ आलकाली ऑप्शन बी ठीक अच्छे। 12 नंबर देख कौन रहा 12 नंबर रे चून पानी मध्य को अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवेश कराइले निम्नोक्त मध्य केउ पदार्थ टी सृष्टि हुए चून पानी भितर को कार्बन अत्यधिक जीव तो सृष्टि हम कौन CaHCO3 होल टू तो ये ऑप्शन सी रहा सठिक उत्तर कौन ऑप्शन सी। तो 13 नंबर गोटे अम्ल गोटे क्षारक सह प्रतिक्रिया कले उत्पन्न पदार्थ दुईटर नाम कौन अम्ल आ क्षार जो मिसे कौन हम लवण तो सृष्टि हे तो कौट अच्छे देख लवण आ कौन सृष्टि हे तो ऑप्शन बी लवण और जल ठीक अच्छे। 14 नंबर निम्नलिखित मानक मध्य केउटी हाइड्रोनियम आयन संकेत हाइड्रोनियम हाइड्रोनियम हेले कौन H3 आसो H3O+ तो यहाँ हूँ ऑप्शन सी ठीक अच्छे। 15 नंबर 15 नंबर रहा मिल्क ऑफ मैग्नेशिया सियारे थिबा रासायनिक पदार्थ नाम कौन मिल्क ऑफ मैग्नेशिया थिबा रासायनिक पदार्थ नाम कौन यहाँ हूँ कौन नाम तार कौन र मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड रहिबो ना एटा हबो ना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन डी हबार सठिक उत्तर ठीक अच्छे। एबे जिबा 16 नंबर को देखिबा 16 नंबर कौन रहिछि निम्न केउटी अन्य तीनोटारु भिन्न श्रेणीभुक्त आटा कोटा सब भिन्न है चक कलिचून मार्बल चून पत्थर तो भिन्न कोटा हबो सबुठ कौटा अलग कली चूनटा डिफरेन्स हम तक भितर सब डिफरेन्ट रोच कौटा कली चून। 17 नंबर विशुद्ध जल मध्य कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराइले जो द्रवण सृष्टि हुए तार पीएच मूल्य कि परिवर्तन घटे विशुद्ध जल मध्य कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराइबा कराइले जो द्रवण सृष्टि हुए तार पीएच मूल्य कि परिवर्तन हुए पीएच कार्बन मसीह मान कौन हम तार पीएच मूल्य ह्रास हुए तो ऑप्शन सी। 18 नंबर केउटी रे जलीय द्रवण PH7 रु अधिक PH7 रु अधिक कौटा तो कौटा कौन हम Na2CO3 ऑप्शन सी हबार सठिक उत्तर। 19 नंबर आम पार्टी रो पीएच केते रु कम हेले दांत क्षय आरंभ हुए ये गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन आम पार्टी पीएच केते रु कम हेले दांत क्षय आरंभ हुए तो केते 5.5 रु कमिले ठीक अच्छे। 19 नंबर सरीगला एबे जिबा 20 नंबर क्वेश्चन को आम शरीर परिसर पीएच परिसर पीएच परिसर केते आम शरीर पीएच परिसर केते केते रु केते पर्यंत आम शरीर रहिबो केते 7.0 रु 7 रु 7.8 तो ऑप्शन ए होचे सठिक उत्तर।
नेक्स्ट देख आम दांतर बहिरावरण क्यों पदार्थ गठित आम दांतर जो बाहर आवरणटा क्यों पदार्थ गठित जल्दी जल्दी समस्त कमेंट करवा कौन हम ऑप्शन सी Ca3PO4 होल टू ठीक अच्छे को 22 नंबर पिंपुड़ी दंशन फल निम्नोक्त क्यों अम्लटे आम शरीर में प्रवेश करें पिंपुड़ी सुंड कौ अम्ल थाए दंतता आमको से कामुड़ा कौन आम शरीर प्रवेश करे यहाँ हूँ ऑप्शन कौन कौ ऑप्शन आप सठिक उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट कर मिथानोइक नोइक अम्ल ऑप्शन बी है सठिक उत्तर 23 नंबर गोटे सबल अम्ल गोटे दुर्बल क्षार करे प्रस्तुत लवण जलीय पीएच केते अम्लटा सबल थी क्षारटा दुर्बल थी ताकु नहीं जो गठित है तार के पीएचटा सब सात रु कम हम तो ऑप्शन सी हम सठिक उत्तर तो देखा 24 नंबर केते नंबर 24 नंबर निम्नोक्त मध्य केउटी धातु को तैलमुक्त व्यवहार करा जाए धातु को तैलमुक्त करने कौन व्यवहार करा जाए तुम्हें सब पढ़ी क्वेश्चन केवल आंसर मन रखी दे दरकार NaOH ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर पचिश नंबर कौन रहा केउटी जल योजित कॉपर सल्फेट रासायनिक संकेत अटे केउटी जल योजित कॉपर सल्फेट रासायनिक संकेत अटे तो यहाँ कौन हम सठिक उत्तर यार हूँ कौन CuSO4 सबुटी अच्छी 5H2O कौटे अच्छे यहाँ हूँ सठिक उत्तर ऑप्शन सी एबे देखिबा 26 नंबर गोटे द्रवण लाल लिटमस को नीलावर परिणत कर यार पीएच संभवतः केते तो यहाँ प्रथम कौन हम समस्ते कहल लाल लिटमस को नील जदि कला तो यहाँ कौन अम्ल ना क्षार ताहले जदि जानिपारे तुम्हें जानपर केते हम तो केते हम तो ये सबुतक गोटे कैटेगोरी अच्छी 7 रु सबुतक कम अच्छी तो केते हम 7 रु अधिक र तो ऑप्शन डी ठीक अच्छे गोटे द्रवण अंडा खोलपा 27 नंबर नहीं गोटे द्रवण अंडा खोलपा खंड गुड़िक सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करे यह चून पा को दुधिया कर दिए निम्नलिखित मध्य क्यों श्रेणीर ये द्रवण केउटी अच्छे द्रवण में कौन अच्छी ताले कौन हम सठिक उत्तर जल्दी जल्दी कमेंट करवा हाइड्रोक्लोराइड HCl ठीक अच्छे 28 नंबर निम्नलिखित औषध गुड़िक मध्य केउटी अजीर्ण रोग को चिकित्सा करने व्यवहार करा जाए तो अजीर्ण रोग को चिकित्सा करने कौन व्यवहार करा जाए जल्दी जल्दी कमेंट करवा अजीर्ण माने खाद्य आम हज जीर्ण होनी हजम होनी आम कौन एसीडिटी हो जाती कहती कि एसीडिटी एसीडिटी हो गले कौन ताको एसिड प्रति अम्ल बटिका खाई ये कर प्रति अम्ल ऑप्शन सी हूँ सठिक उत्तर 20-29 नंबर NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl प्लस डैश ऊपर समीकरण टी संपूर्ण करने शून्य स्थान में निम्नोक्त क्यों पदार्थ टी उपयुक्त हेबो तो कौन रहिबो कह जल्दी देख एटी कौन अच्छी एन अच्छी एन बी अच्छी एन कौन अच्छी आउ गोटे एन एन ए तो आसीजो ए रही मैंने सोडियम ए एन डाट रही जाइए नाइट्रोजन सोडियम तो आसब तो एन ए आसला आउ कौन आस हाइड्रोजन दीटा एटी तीन टा जा पांचटा अच्छी एटी चार आउ गोटे हाइड्रोजन आसब
NaH NA कौटी अच्छी देख NA तो अच्छी मुख्य एच नाला तो ये ऑप्शन बी टा हो सटिक उत्तर एटी NA अच्छी किंतु एच ना तो यहाँ हम ना तो ऑप्शन बी हो सटिक उत्तर प्लास्टर ऑफ पेरिस जल मध्य रासायनिक प्रतिक्रिया हो क्यों जैविक सृष्टि प्लास्टर ऑफ पेरिस आउ जलर रासायनिक प्रतिक्रिया कौन सृष्टि हम जल्दी जल्दी कमेंट कर समस्ते कह सी एस ओ फोर टू एस टू ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर तो देखा पुणी 31 नंबर ठीक अच्छे आल्प क्वेश्चन रहा कवर कर जल्दी जल्दी समस्त को वर्तमान शेयर कर चल समस्त जॉइन करूँ जो मैंने भी पूर्वर प्रथम अध्याय देखिन आमर प्ले लिस्ट दशम श्रेणी साइंस अच्छी प्ले लिस्ट से प्रथम चैप्टर रही देखने पुणी द्वितीय प्रत्येक चैप्टर रही साइंस रो तो वीडियो गुड़ी भल भाव देखने ठीक अच्छे देख 31 नंबर तटका क्षीर को दही में परिणत कले यार पीएच मूल्य कौन है जिते बड़े तटका क्षीर को आम दही में परिणत करवा तार पीएच कौन हम कम ठीक अच्छे क्यों धातु उभय अम्ल क्षार सह प्रतिक्रिया करी एस टू गैस निर्गत करे अम्ल सह प्रतिक्रिया कले निर्गत करे क्षार सह प्रतिक्रिया कले निर्गत करे तो 32 नंबर कौन हम आंसर जिंक जेडेन ओके 33 नंबर जिप्सम स्फटिक जल अणु संख्या केते एटा होची वेरी वेरी इंपोर्टेंट जिप्सम स्फटिकर जल अणु संख्या केते तो केते रहिबो केतोटि जल अणु थाए दुईटी ठीक अच्छे 34 नंबर एक प्रशमित द्रवण पीएच मूल्य केते एक प्रशमित द्रवण पीएच मूल्य हो कौन जोटा ना अम्ल ना क्षार मझे रहा 7 35 नंबर गाढ़ अम्ल प्रति किंबा गाढ़ क्षार को गाढ़ अम्ल किंबा गाढ़ क्षार को जल में मिसाइले क्यों प्रक्रिया दीटा को जहाँ को गाढ़ अम्ल हो क्षार हो जल में मिसाइ मैंने ताप उत्पादन कर तो डाब ताप उत्पादी प्रतिक्रिया बा प्रक्रिया प्रतिक्रिया न प्रक्रिया ठीक अच्छे 36 नंबर गोटे जलीय द्रवण रे हाइड्रोनियम आयन गाढ़ता बढ़िले तार पीएच मूल्य कौन हम सीए बढ़िले मैंने कौन हम एटा गाढ़ता बढ़िले पीएच मूल्य कमिबो तो ऑप्शन बी ठीक अच्छे 37 नंबर बाइन मध्य विद्युत स्रोत प्रवाहित कराइले एनएओएच उत्पन्न हुए यही प्रणाली नाम कौन ये जो प्रणाली नाम कौन एटा कौन क्लोरा क्लोरो अल्जैक अल्काजी अल्काली प्रणाली क्लोरो अल्काली प्रणाली ठीक अच्छे ऑप्शन बी क्लोरो अल्काली प्रणाली 38 नंबर शुष्क समित चून सहित क्यों गैस प्रतिक्रिया घटे ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न हुए शुष्क समित चून सहित क्यों गैस प्रतिक्रिया घटले ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न हुए ब्लीचिंग पाउडर उत्पन्न कहे कौन हम ए क्लोरीन एयर मिसिया पड़ो तो Cl2 39 क्यों स्फटिक जल अणु ना कौन जिप्सम अच्छी दीटा खाइबा सोडार अच्छी प्लास्टर पैरिस अच्छी मात्र धोवा सोडार अच्छी खाइबा सोडार ना तो ऑप्शन ए हूँ सठिक उत्तर 40 नंबर NaOH द्रवण केउटीर रासायनिक प्रतिक्रिया स्पष्ट लवण जलीय द्रवण पीएच मूल्य तुलनात्मक भाव सर्वाधिक तो कौन कौन रही NaOH द्रवण केउटीर रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि लवण जलीय द्रवण पीएच मूल्य तुलनात्मक भाव सर्वाधिक ता किए किए सब प्रतिक्रिया करेंगे देखा आग प्रथम किए तो ये देख दे तो यार उत्तर देखला बेलू जमापड़गला कौन हम
कौन है पेरिवाव? ये तो नुए H2O SO4 नुए H2CO3 ऑप्शन बी हम तार सठिक उत्तर। 41 कॉपर सल्फेट स्फटिक रे जल अणुर अपसारण घटले तहार वर्ण कौन हुए? कॉपर सल्फेट रो स्फटिक रु जल अणुर अपसारण घटले तार वर्ण कौन हो? जल अणु को जब अपसारण कर तार वर्णटा कौन है? तार वर्ण हम कौन? धला। ठीक अच्छे देख 42 रे देला NaCl रो जलीय द्रवण को विद्युत विश्लेषण कले एनोड निकट रे क्यों गैस निर्गत हुए? तो विद्युत विश्लेषण कले कौन आसीज NaCl को विद्युत भांगी देले आमर क्लोराइड पड़े Cl। ठीक अच्छे 43 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम कौन? यहाँ बहुत इंपोर्टेंट तुमको सब बेला कहली मन रख यहाँ बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम आसवर चान्स 90% यार ना हूँ कौन? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट तो ऑप्शन ए रे अच्छी कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। ओके ये अच्छी सठिक उत्तर। तो धन्यवाद पुणी तुम या पर विषय वीडियो आसी सबूगुड़ वीडियो को चेक कर नवा एवं समस्त सांग सेयार करवा जो नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करनी और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करनी। धन्यवाद।